बुजुर्गाने मोहतरम, आज जो शैतानी कुव्वत है जिस तरह मुसलमानों के ईमान के साथ, मुसलमानों के जज्बात के साथ, एहसासात के साथ जिस तरह का तमस्सुल और जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी बेहिस्सी है। अभी ये खबर जो दो दिन पहले कि आयरलैंड की एक पार्टी के सियासी रहनुमा ने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर बाकायदगी के साथ एक मुकाबला मुनक्द करवाने का ऐलान किया और वो मुकाबला फुटबॉल का नहीं है, कोई क्रिकेट का नहीं है, वो किसी के लायक और डिसलाइक का नहीं है, वो मुकाबला मेरे महबूब नबी के कार्टून बनाकर तमस्कर उड़ाने का। मेरे महबूब नबी का कार्टून बनाकर उनका तमस्कर उड़ाना, उसके लिए मुकाबला पहले तो कोई इदारे करते थे, अब सियासी पार्टी है और उसका लीडर है और वो उसकी पेशकश कर रहा है। आज के इस जुमे के इज्तमा के तवस्सुल से हम हुकूमत पाकिस्तान से बहुत दो टोक अल्फाज में कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, मेरे नबी की नामूस की हिफाजत के लिए बना है, लिहाजा पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि वो इसमें अपना कायदाना किरदार अदा करें। आप इसकी दाई करते हैं। और दूसरा, पूरा आलम इस्लाम और उसमें पाकिस्तान सरे फरिश्ते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान को सबसे पहले कहेंगे, तो लिहाजा सबसे पहले पाकिस्तान और पूरा आलम इस्लाम हॉलैंड जैसे इस बलबक और इस बलगों शख्स का मुहासमा करें और अपने अपने मुल्कों में इंतजार करते हुए उनके सफारतखानों को बंद कर दिया जाए कि जिस मुल्क के अंदर मेरे महबूब नबी की नामूस पर डाका डाला जाए उस मुल्क का सफारतखाना हमारे मुल्क में किसी सूरत का हमें पता नहीं। क्या आप इसकी तारीफ करते हैं? लिहाजा मेरी गुजारिश होगी कि आज मेरे नौजवान अजीज भाई सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसको अपना हदफ बनाकर, इस मौसम को अपना टारगेट बनाकर हर शख्स अपने जज्बात और एहसासात का भरपूर जिक्र करे ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक दोहराव मच जाए कि मुसलमानों के अंदर अभी मोहम्मद अभी अपने महबूब नबी की नामूस और मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कटवाने और लुटवाने के लिए तैयार है। अल्लाह वहदहु ला शरीक इस तरह के मलऊनों से इस इंसानियत को महफूज रखे और इस तरह के मलऊनों को मेरा रब अपनी अपनी गिरफ्त में और अपनी कहारियत वाली सिफ्त लाकर इनको इबरत का निशान बनाए। अल्लाह मुसलमानों को भी कोई काबिल जिक्र किरदार अदा करने की तौफीक अता